जी नमस्कार मैम, कैसे हो आप? नमस्कार सर, आपके पेज के सभी पार्टियों का दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है जी। मैं उमा ठाकुर कांग्रेस से जी। आपको ये सम्मान मिला है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? जी सर, ये सम्मान मुझे मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, 8 मार्च को, ये 9 मार्च को एक्चुअली ये प्रोग्राम था। ये है सब सिंधु परिसर देहरा में ये प्रोग्राम हुआ जी जी, राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा सम्मानित किया गया है। तो मैं जान भी पाई थी, मेरी जो एक फ्रेंड है, बहुत खास दोस्त कल्पना गांगता जी, ये लेकर आए थे, तो अभी उन्होंने ही मुझे ये दिया है। और ये साहित्य के क्षेत्र में और लोक संस्कृति के संरक्षण और समर्थन के लिए, जो भी उन्हें लगा कि मैंने कुछ काम किया उसके लिए जी। आपके मन में कब आया ये ख्याल कि मैं कुछ हिमाचल के लिए करूं, संस्कृति के लिए करूं, कल्चर के लिए करूं? जी हम तो देखिए गांव में पड़े हैं, बड़े हुए हैं, गांव का जो लोक संस्कृति है वो हमारे रग रग में बसती है, जो माँ बोली है वो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी माँ बोली के लिए, लोक साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए कुछ अपने स्तर पर करें, अगर हम थोड़े से सक्षम हैं। और साहित्य वैसे भी मुझे काफ़ी रुझान है इसमें, मैंने 2 पुस्तकें अभी मासवी बोली में एक लिखी है, मासवी लोक संस्कृति, जो एक शोधपूर्ण पुस्तक है, और एक हिमाचली भाषा रेमणि की, जिसमें मैंने ये कहने वाला ये हिमाचली भाषा रेमणि के, ये भी 30 जो कवि हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी रचना इसमें मैंने शामिल की है, और उसका संपादन और मैंने ही उसको प्रकाशित भी किया है अपने खुद के योगदान से, और इसमें किसी का भी सहयोग राशि नहीं ली गई है। और जो उनका सहयोग था, 30 जो लेखक है, साहित्यकार हैं, हर जिला के, 12 जिला के करीब 30 कवि इसमें शामिल हुए हैं, तो उन्होंने अपने रचनाएँ मुझे भेजी, तो इस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं इस काम को पूरा कर पाई और समाज के लिए कुछ अपने स्तर पर कर पाई, तो ये बहुत बड़ी एक मन को बहुत सुकून मिलता है जी। तो इसी से मिलता जुलता सवाल है कि आप जो है पहाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा क्यों, हिंदी क्यों नहीं, ज़्यादा पहाड़ी क्यों? ऐसा नहीं है, देखिए मैंने एमए इंग्लिश किया है और हिस्ट्री में एमए किया है, पत्रकारिता में पीएचडी कर रही हूँ वो भी इंग्लिश में ही कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक पहाड़ी हिमाचली भाषा की बात आती है, तो हम सभी जानते हैं कि अब तो देखिए बिल्कुल विलुप्त हो रही है, जो आज के बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स अभिभावक यही बोलते हैं कि अपनी माँ बोली में बात करने नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी वाणी बिगड़ जाएगी, और खुद भी घर में नहीं बात करते हैं पहाड़ी में। तो मैं अभिभावक से भी यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाए, इंग्लिश सिखाए, कुछ भी, मतलब कोई भी लैंग्वेज वो सिखा सकते हैं, लेकिन अपनी माँ बोली से उन्हें दूर ना करें जी। और कोई मैसेज देना चाहोगी महिलाओं को या नौजवानों को? जी महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी स्तर पर किसी भी तरह से कम ना आके, उनमें जो महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है वो अपने आप में सशक्त है, ज़रूरत है उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही ईमानदार रहना है जितना वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती है। तो उन्हें अपने मानसिक रूप से, सबसे पहले मैं यही कहूँगी, उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त होना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, चाहे वो छोटे से छोटा कुछ भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत हाई लेवल का कोई काम करे, अपने घर में, घर से ही, जैसे कुछ लड़कियां या फिर गांव की जो महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह से भी अपनी बहुत सारी महिलाओं को जोड़कर अपने आत्मनिर्भर बन सकती हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, आपके पेज के सभी दर्शकों को।